हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन रियल होम मेकिंग चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज है भागवत का सेकेंड डे जो हम अटेंड करने वाले हैं। एक्चुअली भागवत का पांचवा दिन है बट सेकेंड डे हमारे लिए है। तो आज का ड्रेस कोड है ऑरेंज और मैंने ये पहना है ब्यूटीफुल सा ऑरेंज सूट जो मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था। और ये है मेरा लुक। हाथ में मैंने ये कंगन पहने हैं, वॉच है और दूसरे हाथ में सिर्फ एक ये कंगन है। तो ये मेरा मॉर्निंग लुक है। जब हम भागवत सुनने जाएंगे शाम को तो मैं आज साड़ी पहनने वाली हूँ, तो वो लुक भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सोचा कि सुबह सुबह व्लॉग स्टार्ट करती हूँ और दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमारी पूरा डे रहता है अपनी नानी के घर पे, किस तरीके से हम पूरे दिन मस्ती करते हैं। तो वो सब आप लोगों के साथ मैं इस व्लॉग में शेयर करूँगी। होप करती हूँ आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा। तो मैं अभी दिखाती हूँ कि गोविंद क्या कर रहा है। ये देखो, गोविंद कर रहा है स्विंग। उसने अभी अभी बस ब्रेकफास्ट किया है और बाहर ये स्विंग देख के वो तो एकदम मैड हो जाता है, तो आके इस पे बैठ गया है। और ये है मेरी एवर ग्रीन ब्यूटीफुल भाभी विद हर हैंडसम सन। हेलो, बोलो। हाय। ये छोटा सा मेरा बंदर है, बंदर। सो फ्रेंड्स, हम लोगों का ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है और अभी हम लोग निकले हैं शारदा डैम देखने। यहाँ पे बहुत ही अच्छी जगह है। शारदा नदी है और उसके ऊपर डैम बना हुआ है, तो सोचा बच्चों को दिखा के लाते हैं। और भाभी ने भी वो डैम नहीं देखा हुआ, तो भाभी भी आई हैं। हम लोग तो बचपन में यहाँ पे बहुत आते थे अपने मामा जी के साथ। फेवरेट स्पॉट था यार। यस, जब भी हम समर वेकेशन में आते थे हमारे बड़े मामा जी लेकर जाते थे और खूब मजे से हम लोग वहाँ पे पिकनिक मनाते थे। याद है वो बचपन के दिन। तो हमारे साथ गोविंद आया है, भाभी भैया आए हैं और आदू। आदू सो गया है, तो चलो साथ में चलते हैं शारदा डैम। राइट, ये हुर्रे हुर्रे भाभी, हुर्रे हुर्रे। तो बस अभी हम लोग निकले हैं शारदा डैम के लिए और ये छोटी छोटी दुकानें और छोटे छोटे घर देखने में ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे साइट्स ना हमें जनरली यूएस में देखने नहीं मिलते और दिल्ली में भी इस तरीके के साइट्स नहीं हैं ज़्यादा, हमारे एरिया की तरफ तो नहीं है। तो काफ़ी एक्साइटिंग लगता है ये देखना। और हम लोग पहुँच गए हैं, देखिए ये है शारदा नदी। बहुत पानी था इस बार यहाँ पर और ये सामने डैम है। बस अभी हम पहुँच ही रहे हैं, मैं आपको क्लोजली दिखाऊंगी। तो गाड़ी हम लोगों ने पार्क कर दी है और वहाँ है जलजीरे वाला और सब लोग एक्साइटेड है जलजीरा पीने के लिए, तो चलो जलजीरा पीते हैं पहले। Cheers to Cheers! कैसा लगा? बहुत मस्त है यार, बचपन के दिन याद आ रहे हैं। Seriously. तो देखिए ये है डैम, बहुत ही बड़ा डैम बना हुआ है और पानी भी बहुत ज्यादा था इस बार और फ्लो भी, मैं अभी आपको पानी का दिखाऊंगी, बहुत ज्यादा पानी था। तो अभी मैं आपको इसका 360 व्यू दिखा रही हूँ। व्यू बहुत ही सुंदर है, जहाँ जहाँ तक आप देखेंगे सिर्फ आपको पानी और आसमान दिखेगा। मुझे इस तरीके की व्यूज़ देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी आपने पानी का फ्लो देखा, बहुत ज़्यादा तेज़ है और कहते हैं कि ये पानी आगे जाके गंगा नदी में मिल जाता है। तो बच्चों को थोड़ा सा दिखाया, बच्चों को भी देखने में बहुत अच्छा लगा। गोविंद तो थोड़ी जिद करने लगा था कि उसे क्रूज पे बैठना है और बोटिंग करनी है इसके अंदर, बट उसे किसी तरह समझा बुझा के हम वापस घर लेकर गए। और आज गर्मी भी ज़्यादा थी तो बस थोड़ी सी फोटोग्राफी करी यहाँ पे हम लोगों ने और उसके बाद वापस घर निकल गए। और ये वहाँ पे छोटा सा शिवलिंग था तो सोचा क्लिक कर लूँ इसकी भी एक छोटी सी वीडियो। और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट वेन्यू पे आ गए क्योंकि वेन्यू पे ही लंच रहता है, तो सोचा पहले लंच करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे घर के लिए। तो हम लोग हो गए हैं तैयार, आप देख ही सकते हो हम लोगों का चेहरा। अभी फुल व्यू अभी आपको दिखाते हैं। तो ये देखो, ये मेरी बहन है भाभी और ये मैं, और हमारे बच्चे भी हो गए हैं तैयार, बट बच्चे रेडी नहीं है फ़ोटो खिंचाने के लिए, तो उनका आउटफिट मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ, फ़ोटोज़ के थ्रू चलो दिखा देती हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पंडाल में जहाँ पे भागवत हो रही है। तो देखिए ये है हमारा कंप्लीट लुक। मेरी साड़ी थोड़ी पिंक कलर की है बट इसका पल्लू जो था वो ऑरेंज था, तो सोचा मैंने यही वाली मैं साड़ी पहनती हूँ। और ये वाली साड़ी मैंने अपनी शादी के नेक्स्ट डे पहनी थी, एक ही बार पहनी है आज तक और आज सेकेंड टाइम मैंने ये साड़ी पहनी है। और ये कुछ फोटोज़ हम लोगों ने क्लिक कराई थी और देख लीजिए हमारे बच्चों ने ये ड्रेसेस पहनी थी।
तो फ्रेंड्स, हम लोग फिर से इसी सेम रेस्टोरेंट में आए हैं जिसमें हम कल आए थे। एक्चुअली भागवत ना शाम को 7 बजे तक चलती है और हमें ना 5 बजे के अराउंड फिर भूख लगने लग जाती है क्योंकि लंच हमने 1 बजे कर लिया था। तो हम लोग ने सोचा चलो रेस्टोरेंट जाते हैं, बच्चों को भी कुछ खिला लेते हैं। तो अभी छोटा वाला बाबू दूध पी रहा है, इसने दूध पी लिया है, थोड़े से बिस्किट खिला दिए हैं और हम लोग भी कुछ अभी ऑर्डर कर रहे हैं, लस्सी, हक्का नूडल्स वगैरह। और कल मैं आप लोगों को खाना भी दिखाना भूल गई थी तो आज मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। और ये देख लीजिए, भैया भाभी बैठे हैं। इस बार सच बताऊँ मायके में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि भाभी है, भाभी के साथ जो फन होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब मैं तो कहूँगी कि एक बहन या फिर एक भाभी ज़रूर होनी चाहिए जिसके साथ अपना खूब इंजॉय करो। क्या बोल रहे हो आप? मेरे पास तो बहन और भाभी दोनों हैं। और ननद? एक ननद है पर वो दूर रहती है ना। कोई बात नहीं, कभी कभी तो आती है, उसी का ही वेट रहता है यार। और अब तो ये भी हो गया है तो और ज़्यादा मज़ा आता है। जब ये दोनों लड़ते हैं ना तो कुछ देर के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन फिर उसके बाद लगता है कि ये कब लड़ना बंद करेंगे। तो अभी इसको डांट लगा के बिठाया गया है क्योंकि वो उसकी बॉटल छीन रहा था और उसे दूध नहीं पीने दे रहा था। और बस अभी उसका थोड़ा सा पेट भर जाएगा, देख लीजिए आप ये क्या कर रहा है, बस बॉटल लेके खड़ा हो गया, अब ये शैतानी इसकी शुरू। और ये देख लीजिए, मैं आपको कह रही थी मैं अपने दोनों बच्चों को आपको दिखाऊंगी। भाभी इसकी पजामी ठीक करो। तो ये देखिए हमारे प्यारे प्यारे नंद गोपाल पति, ऑर्डर किया है ये ओरियो शेक, मेरे लिए लस्सी आई है, सॉल्टेड लस्सी मैंने ली है। और अभी भाभी आपने क्या ऑर्डर किया है? हक्का नूडल्स, टी एंड हक्का नूडल्स। ओके, चाची की सबसे छोटी बेटी है, तो सबसे छोटी मौसी है मेरी। हेलो मौसी, याद है हम जब बच्चे होके आते थे और आपके साथ कितना लड़ते थे? खाना बनाना सिखाया तुमने? मौसी ने मुझे आटा गूंदना सिखाया है और आलू की सब्जी। मौसी के साथ हमने खरगोशों को बहुत सारी कैरेट्स खिलाए। और ये मेरे मामा जी की बेटी है। हाय बोलो। हाय। अब मैं मिलवाती हूँ आपको अपनी सारी मामियों से, इसमें मेरी अपनी मामियाँ और कज़न मामियाँ सभी हैं। तो सभी बहुत एक्साइटेड थी वीडियो में आने के लिए, तो मैंने सोचा चलो एक छोटी सी क्लिप बनाते हैं मामी लोगों की भी। और इसमें मेरी मम्मी की सारी बहनें और मम्मी की बुआ हैं, तो सब मेरी नानी लगती हैं ये, और मौसी। और अभी मैं आप लोगों के साथ कुछ फोटोज शेयर कर रही हूँ उस दिन की। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। आई नो कि आजकल व्लॉग्स बहुत छोटे हो गए हैं, मुझे बहुत ही कम टाइम मिलता था भागवत में कि मैं व्लॉग्स बना पाऊँ, बट मैंने कोशिश की कि थोड़ी बहुत क्लिप्स मैं लेती रहूँ जिससे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ अपने भागवत के दिन भी। अब व्लॉग्स प्रॉपर लेंथ के होंगे, सो अगर आपने ये वीडियो इन्जॉय करी है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप नए आए हैं तो। एंड कमेंट ज़रूर डालिएगा बिकॉज आई लव रीडिंग योर कमेंट्स। फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप ढेर सारा अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।